देखो, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह लो आई क्यों नहीं हूँ जो कि तुम्हें एक ऑब्वियस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी दिखाएगा कि ब्रो ब्रो देखो देखो फैट लूज करने से शक्ल बेटर हो जाती है। मैं तुम्हें एक्चुअल रिजल्ट्स दिखाता हूँ। शुरुआत करता हूँ उस बंदे से जो कि मेरे सबसे करीब है, जो कि मैं रोज़ शीशे में देखता हूँ और मुझे दिखता है अपने से। मैंने जब अपनी फैट लॉस जर्नी की, मुझे इतनी ज़्यादा लुक मैक्सिंग में बेनिफिट कभी नहीं हुआ। लाइक मैं पता नहीं कितनी सारी चीज़ें ट्राई कर चुका था, आईलैश कर्लर, हेयर स्टाइल चेंज, क्लोथिंग चेंज, टॉकिंग चेंज, एक्सेंट चेंज, मसल बिल्डिंग, सब कुछ ट्राई कर लिया था। पर लेकिन उन सबको मिलाकर जितना बेनिफिट हुआ ना, उतना अकेला फैट लॉस जर्नी ने करवा दिया था। फैट लॉस और मुंह का एक बहुत प्यारा कनेक्शन है। तुम्हारा मुंह जो है ना, आई थिंक 50% गेम कर देता है तुम्हारे लुक्स में। अगर तुम्हारा मुंह सुंदर है, फिर तुम बोरी पहनकर भी चल रहे हो, यू विल लुक गुड। तो अगर मुंह को सुंदर करना है ना, तो उसके ऊपर जो ये जो भरी हुई पुसपुसी चमड़ी होती है ना, तुम्हें इसको कम करना पड़ेगा। इस चमड़ी को कम करें कैसे, उसके बारे में बाद में करते हैं बात। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि किन किन ने मेरे सिवा अपने फेस की फैट को रिमूव किया एंड अपने लुक्स को इम्प्रूव किया। सबसे पहले नंबर पर आता है क्रिस प्रैट। तुमने क्रिस प्रैट को देखा होगा, वही गार्डन्स ऑफ गैलेक्सी वाला जो हीरो है। वो बंदा ऑलरेडी हैंडसम था, गुड लुकिंग था, मतलब ब्यूटीफुल था, मैजिस्टिक लुकिंग था। जैसे ही बंदे ने अपनी फैट लॉस की, बैम, बंदा बन गया सीधा ग्रीक गॉड, लाइक डिफरेंट टाइप का फेस नजर आने लगा। इसके बाद बात करते हैं बिग शो की। बिग शो एक गुड लुकिंग आदमी था, मोटा था, लंबा था, चौड़ा था, रेसलर है। पर जैसे ही उसने आई थिंक 50 ईयर्स की एज में फैट लॉस किया, उसका फेस कम्प्लीटली चेंज हो गया एंड वो वे बेटर लुकिंग आदमी बन गया। इसके बाद बात करते हैं रोमन रेंस की। रोमन रेंस इज ऑलरेडी एक्सट्रीमली गुड लुकिंग मैन, बहुत सुंदर दिखता है एंड उसका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। यट स्टिल जब वो रेसलमेनिया के टाइम पर एक्सट्रीम कटिंग पर जाता है, लाइक बहुत कम बॉडी फैट कर लेता है, अंडर 10% कर लेता है, अंडर 13% कर लेता है, लुक एट हिज फेस डेफिनेशन, उसका फेस कितना ज़्यादा बेटर हो जाता है और उसके चीक बोन्स कितनी ज़्यादा पॉप आउट होती हैं। इसके बाद लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सैम स्मिथ। सैम स्मिथ एक सिंगर है जो कि आज के टाइम पर कुछ और ही बन गया है, पर लेट अस टेक द एग्जांपल जब वो जवान था, जब वो पतला था, उसका फेस कितना बेटर था कंपेयर टू आज के रूप के। तो एट द एंड बात सिर्फ इतनी है कि तुम दुनिया में किसी भी आदमी को उठाकर देख लो, इस दुनिया का हर आदमी फेशियल फैट कम होने के बाद ज़्यादा बेटर ही नजर आएगा। देर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ जिसका मुंह जब मोटा होता है तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। एंड जो भी बंदा मोटा होने पर सुंदर लग सकता है ना, ट्रस्ट में जब वो पतला होगा ना, वो एक डिफरेंट बीस्ट नजर आएगा, वो इतना ज़्यादा सुंदर लगने लग पड़ेगा। देखो ऐसा होता क्यों है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो तुम्हारे मुंह को सुंदर अगली बंदा जो भी चीज़ बनाती है, वो बनाती है तुम्हारे मुँह की एंगुलैरिटी और तुम्हारे मुँह में डेप्थ कितनी। डेप्थ बोले तो गहराई कितनी है। गहराई का मतलब ये गहराई है, ये गहराई है, ये गहराई कितनी है, तुम्हारा मुंह बाहर को कितना निकला है, तुम्हारे मुंह में डेफिनेशन कितनी है, तुम्हारे मुंह के बेसिकली एब्स कैसे दिख रहे हैं, इसको तो मुंह के एब्स कह सकते हो, तुम्हारे मुंह के एब्स कितने बेटर दिख रहे हैं, तुम्हारी चिन कितनी ज़्यादा फॉरवर्ड दिख रही है, क्या ये ऐसे करके दिख रही है, क्या यहाँ पर डबल चिन बन रही है, ये सब चीज़ें मिलकर तुम्हारे फेस को ब्यूटी देती हैं। अगर तुम्हारा फेस शार्प नज़र आता है, पैन नज़र आता है, फॉरवर्ड ग्रोन नज़र आता है, फैट कम से कम नज़र आती है, तो वो जवान नज़र आता है। जब वो जवान नज़र आता है तो वो बेटर लुकिंग नज़र आता है एंड ऐसे भी उसमें एक पोपनेस आ जाती है। ऐसे समझ लो तुमने फोटो खींची और उसका HDR फुल कर दिया, वैसा वाली फीलिंग आती है जब तुम अपने फेस से बॉडी फैट को रिमूव करते हो। तो आई थिंक अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि भाई कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने फेशियल फैट को तो रिमूव करना ही पड़ेगा अगर तुम सीरियस हो अपने लुक्स मैक्सिंग की जर्नी को लेकर। बट द रियल क्वेश्चन इज कि हम अपने फेस से फैट को रिमूव कैसे करें। देखो तुम अभी अगर नेट पर जाते हो, यूट्यूब पर जाते हो और सर्च करते हो हाउ टू रिमूव फेस फैट, तो तुम्हें बहुत सारी अजीब अजीब वीडियो मिलेंगी। कुछ वीडियोस तो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर्स ने भी बनाई है जब उनका फिटनेस चैनल होता था एंड वो कहते हैं आप कीटो पे चले जाओ, कीटो के बाद आप नमक छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, वो मेथड्स वर्क करते होंगे, पर मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि तुम्हें अगर फेस फैट को रिमूव करना और किसी की वीडियो देखते हो, कोई भी तरीका देखते हो, अपने आप से ये सवाल पूछो क्या मैं ये जीवन भर कर सकता हूँ। कि माना कीटो कर मैं अपने फेस की फैट रिमूव कर सकता हूँ, नमक छोड़कर अपने फेस की फैट रिमूव कर सकता हूँ, पर क्या ये मैं जीवन भर कर सकता हूँ, क्या ये मैं साल भर कर सकता हूँ कि नमक ही नहीं खा रहा हूँ, नहीं कर सकते ना। ये चीज़ें होती हैं सिर्फ हफ्ते की, दो हफ्ते की। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि तुम रियलिटी में अपना फेशियल फैट फॉर द परमानेंट रेस्ट ऑफ योर लाइफ कैसे रिमूव करो, ताकि तुम सिर्फ हफ्ते भर के लिए अच्छे ना दिखो, पूरे जीवन भर अच्छा दिखो। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ काम आती है, वो है कैलोरी डेफिसिट। यस, तुम्हें लगा होगा कोई चिंगम जमाने को बोलेगा, कोई ऐसे चुस्की मारने को बोलेगा, पाइप मुंह में ले लो, फिर तरुण गिल जैसे जाता है गुब्बारे फुलाओ, ये करो वो करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट रिडक्शन इज इम्पॉसिबल। मैं ये नहीं बोल सकता कि गाइज मुझे बस यहाँ से फैट रिमूव करनी है, यहाँ से भी नहीं, सिर्फ यहाँ से, इस एरिया से। लग रहा है ना स्टूपिड,
खुद दिमाग लगाओ। लग रहा है तुम्हें स्टूपिड कि यहाँ से कैसे फैट रिमूव हो सकती भाई, कम से कम इतना तो बोल। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतने से भी नहीं हो सकती, सिर्फ इतने से भी नहीं हो सकती, सिर्फ आधी बॉडी से भी नहीं हो सकती, पूरी बॉडी से इकट्ठी फैट जाती है। देर इज नो सिंगल वर्कआउट, देर इज नो सिंगल डाइट प्लान जो कि ऐसा पॉसिबल करवा दे कि तुम एक ही जगह से फैट को रिमूव करवा रहे हो। जो भी बंदा तुम्हें क्लेम करता हुआ मिल जाए, एंड आई डोंट गिव अ फ्लाइंग एफ वो कितना एक्सपीरियंसड है, कितना ज्यादा टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो भी बंदा कह रहा है कि मैं एक जगह से फैट रिमूव करवा सकता हूँ, भाग जाओ, स्कैम है, उसको नॉलेज नहीं है, लो आई क्यू है वो। जो भी बंदा कह रहा है मैं एब्स निकलवा दूंगा, सिर्फ एब्स निकलवाऊंगा, सिर्फ लव हैंडल की फैट, सिर्फ पेट की फैट, सिर्फ बैक की फैट, सिर्फ एस की फैट, या लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं बटक की फैट, बूब्स की फैट, ये सब कुछ स्कैम है। किसी की डबल चीन है बोलेंगे डबल चीन रिमूव करवा देता, नहीं होता, पूरे शरीर से वजन जाता है, पूरे शरीर से फैट जाती है, फैट पूरे शरीर से एक साथ जाती है। रिमेंबर दैट कान में घुसा लो। जिंदगी में अपने आप को बेवकूफ बनाने से बचना है, अपने आप को थोड़ा ऊंचे आईक्यू पर लेकर जाना है, तो इस बात को दिमाग में घुसा लो कि फैट एक जगह से नहीं जाती, पूरे बदन से इकट्ठी फैट निकलती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अपने फेस की फैट को कम करना है, आपको पूरे शरीर की फैट को कम करना पड़ेगा। बट देर इज अ बिग बिग साइड इफेक्ट। लुक एट मी राइट नाउ, आई थिंक मैं आपको दिख रहा हूँ, ये देखो मुझे चर्बी चढ़ी हुई है, चर्बी दिख रही है, येट स्टिल मेरा फेस जो है कम्प्लीटली लीन है। पास आता हूँ थोड़ा सा, कैन यू सी दिस, मेरा फेस इस वक्त कम्प्लीटली लीन है। कोई मेरा मुंह देखेगा बोलेगा खाना नहीं खाता, मेरे ये गड्ढे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्यों, क्या मैं कोई फेस की हिडन एक्सरसाइज करता हूँ कि तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, जिससे मेरे फेस की फैट रहती पर पेट की नहीं रहती, मतलब जो भी है। नहीं, ये जेनेटिक्स है, तुम्हारे फेस की फैट और तुम्हारे पेट की फैट जेनेटिक्स है, सब कुछ जेनेटिक है। हो सकता है कि तुम्हारी जेनेटिक ऐसे हो कि तुम्हें ऐस में यहाँ पर बहुत सारी फैट स्टोर होती है, तो क्या होगा जब भी तुम मोटे होने लगोगे या जब भी तुम फैट गेन करने लगोगे, तो सारी फैट शरीर की कहाँ भागेगी, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि जेनेटिक्स कहाँ स्टोर करने वाले हैं, यहाँ पर। तो मुँह का क्या होगा, मुँह पर लास्ट में जाकर चढ़ेगी, यहाँ का क्या होगा, लास्ट पर जाकर चढ़ेगी। विरस कुछ बंदे होते हैं बेचारे, उनको कहूँगा, बहुत सैड केसेस होते हैं उनकी लाइफ, उनको सबसे पहले ही फैट अपने मुंह पर चढ़ती है, सबसे पहले डबल चिन आती है, सबसे पहले ब्लोटेडनेस आती है मुंह, एंड उसका क्या इलाज है, कोई इलाज नहीं है, जीरो, इसका भी कोई इलाज नहीं है, ये भी कम्प्लीटली जेनेटिक है। एंड ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है कि हाँ, भले उनको मुंह पर फैट पहले चढ़ जाती है, पर उनके एब्स हमेशा निकले रहते हैं। और एक तरफ मेरे जैसे लोग हैं जिनको मुंह पर कभी फैट नहीं चढ़ती पर पेट पर चढ़ी रहती है, कुछ भी कर ले। ये देखो, मतलब मेरा मुंह देखो और मेरा पेट देखो, तुम्हें लग रहा है एक आदमी का है, इतनी इतनी चर्बी लग रही है एक आदमी की है। अगर तुम सिर्फ पेट पेट देखो तो तुम्हें मेरा मुंह एक मोटू मोटू सा इमेजिन होगा, और सिर्फ मुंह मुंह देखो तो पेट पे एब्स इमेजिन हो जाएंगे। सो ये मैं कहूँगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है, जिसके मुंह पर पहले फैट आती है उसके पेट पे नहीं आती, जिसके पेट पे आती है उसको मुंह पर नहीं आती, ये कम्प्लीटली जेनेटिक है। इस जेनेटिक्स को कैसे हराएं, अगर ऐसा है कि मुंह पर फैट जो है वो चढ़े ही रहती है और पेट पर नहीं चढ़ती है, बाकी बॉडी पे नहीं चढ़ती, सिर्फ मुंह पर चढ़ती, तब क्या करें, तब भी एक ही चीज़ करनी है। क्योंकि देखो, भले ही मुंह पर फैट चढ़ती है बाकी शरीर पे नहीं चढ़ती है, पर लेकिन जब भी फैट बर्न होगी, तो मैंने कहा ना पूरे शरीर से होगी, तो सबसे पहले जो यहाँ पर थोड़ी बहुत फैट है वो बर्न हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, लास्ट में जाकर यहाँ की हो जाएगी। सिंपल है तो फैट ही ना, एक टाइम पर आकर बर्न होगी ना, जब शरीर को जरूरत होगी, तो वो फेस की भी फैट लेगा, शरीर की भी लेगा, एस की भी लेगा, सबकी फैट लेगा शरीर। सो आप कॉम्प्लिकेट मत किया करो कि यार मेरे फेस पर फैट चढ़ी रहती है, वो आपके लिए हो सकता है सफर डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप और मैं 3 मंथ की फैट लॉस डाइट पर जाते हैं, तो हो सकता है मेरे को फर्स्ट वीक में मेरा फेस लीन नजर आने लग पड़ता है, व्हेयरएज तुम्हें फर्स्ट वीक में एब्स नजर आने लग पड़ेंगे, पर एट द एंड ऑफ द 90 डेज मेरे को भी एब्स होंगे, तुम्हें भी एब्स, मेरा ही फेस लीन होगा, तुम्हारा भी लीन होगा। क्यों, क्योंकि हम दोनों की बॉडीज ने पूरी फैट उड़ा दी, तुम्हारे के ने पहले एब्स की उड़ाई, मेरे के ने पहले फेस की उड़ाई, पर लास्ट में जाकर हम सेम पॉइंट पर ही आएंगे। इसीलिए डोंट कॉम्प्लिकेट कि मेरे फेस पर फैट आती है वो फैट तुम्हारी कहीं पर भी पहले आती हो, कहीं पर भी लास्ट में जाती हो, बस तुम लगे रहो फैट लॉस डाइट में, तुम्हारी फैट जाएगी ही जाएगी। अब बात करते हैं कि कैलोरी डेफिसिट बोले जा रहा है होता क्या है। कैलोरी डेफिसिट होता है तुम जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है खाने की उससे कम खा रहे हो। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, कवर है मोबाइल का, पर लेटर जिससे मेरा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इसमें है 4000 mAh बैटरी। अगर मैं इसको ओवर चार्ज करूँगा तो क्या होगा, बैटरी फट जाएगी। पर इंसानों में कोई बैटरी नहीं होती और इंसान फटते नहीं, इंसान क्या करते हैं उस ओवर चार्ज को फैट बना देते हैं। ये है मेरा फ़ोन, इसमें 4000 mAh की बैटरी। अगर मैं इसको सिर्फ 3000 mAh तक ही चार्ज करता हूँ, 1000 की छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, फ़ोन कम चलेगा। इंसानों में क्योंकि बैटरी होती नहीं, तो इंसान कम नहीं चलते, इंसान अपने आप को ही छोटा कर लेते हैं ताकि वो 3000 से ही शरीर भरा रहे।
सो दैट इज़ वट आई मीन बाई कैलरी डेफिसिट। जब तुम कैलरी डेफिसिट में जाते हो, तुम गूगल पर सर्च करते हो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलरी क्या है, उसमें से 500, 600, 200 जितनी तुम्हारे को कंफर्टेबल हो उतना कम खाते हो, एंड उसके बाद तुम्हारा शरीर जो है वो खाने को ढूंढता ढूंढता बेचारा अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है, जिसको हम चर्बी कहते हैं। जब वो चर्बी को खाता है हमारी फैट बर्न होना शुरू हो जाती है एंड हमारी बॉडी बेटर नज़र आने लग पड़ती है। मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट जेन्युइन ट्रूथ बताता हूँ, अगर तुम इस वक्त मोटे हो ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो। हो सकता है तुम इस दुनिया के बेस्ट लुकिंग मेल मॉडल हो, पर क्योंकि तुम्हारे मुंह पर चर्बी चढ़ी है तो तुम बेटर नहीं नजर आ रहे हो। एंड ऑल्सो वन फन फैक्ट, देर इज नो गर्ल इन दिस वर्ल्ड जिसको चबी फेसेस पसंद आते हो। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का नाम सुना होगा, किसी टाइप की लड़की को वो जट होंगे या मूछ वाले बंदे पसंद आते हैं, किसी टाइप की लड़की को वो अमेरिकन ब्लैक पीपल पसंद आते हैं, किसी को वो वाइट पीपल रॉबर्ट पैटिनसन जैसे, कुछ ऐसे हैं जिनको केपॉप वाले पसंद आते हैं। इन सब में एक पैटर्न है, नोटिस करो, सबकी फैशन सेंस अलग है, मैस्कुलिनिटी अलग है, फेमिनिटी अलग है, सब कुछ अलग है, येट स्टिल एक चीज़ कॉमन है, इन सब में फेस लीन होते हैं। किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी लड़की को ढूंढ लो और उसका कोई भी फेवरेट काइंड ऑफ ब्यूटी ट्रेंड ढूंढ लो, कुछ भी ढूंढ लो, मैन में जो से पसंद है, सब में एक कॉमन पैटर्न है, सबको फेशियल फेस में फैट नहीं पसंद है, सबको पतले मुंह पसंद आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉन नेगलिजिबल है। इवन लड़कों को भी लड़कों में पतले फेस ही पसंद आएंगे, क्योंकि पतला फेस बेटर लुकिंग नजर आता है। जैसे एब्स हमेशा अच्छे लगते हैं, वैसे ही फेस में फैट कम अच्छी लगती है। तो अगर तुम अभी ऑब्सेस्ड हो, मैं मूविंग सही कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल फेशियल कैसे हैं, मेरे फेस शेप के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, मेरी नेक कैसी है, मेरी ऐस कैसी है, मेरी ऐस होल कैसा, इन सब चीज़ों से अगर तुम अभी फ्रस्ट्रेटेड हो ना और सोचे जा रहे हो, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, क्या तुम अभी लीन फेस में हो, क्या तुम्हारा फेस जो है वो पॉप आउट हो रहा है, यहाँ चीक बोन्स नजर आ रही है, नहीं आ रही है तो चुप हो जाओ, शट अप, जाओ जाकर बॉडी फैट को लूज करो, 15-14% से कम बॉडी फैट पर जाओ एंड मैजिक देखो क्या होता है। क्योंकि ये भी चैट टैग है, ये भी चैट टैग है, पर अगर ये वाला बंदा वीडियो बनाता ना, आई गारंटी यू इसकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि बेचारे के मुंह पर बस चर्बी चढ़ी है, और क्या गुनाह किया है इसने, कुछ नहीं किया। पर इससे आपको पता लगता है कि अगर आपके मुंह पर चर्बी चढ़ी हुई है तो इससे कितना बड़ा बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। सो स्टार्ट लूजिंग योर बॉडी फैट राइट नाउ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने की, चेकआउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर और इंस्टा पेज मिलेगा, फॉलो और ज्वाइन बटन दबा दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सी एवरीवन, जागते रहो।